नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में युवा अन्नदूत योजना के तहत बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार ने युवाओं को शासकीय खाद्यान्न दुकानों में राशन पहुंचाने के लिए लोन के माध्यम से ट्रक उपलब्ध कराए थे। इन ट्रकों में FCI से शासकीय राशन शासकीय सत्ते गल्ले की दुकानों में पहुंचाना था। जबलपुर में अब इस योजना पर पलीता अलग नजर आ रहा है। युवा अन्नदूत योजना का ट्रक रास्ते में खड़े कर शासकीय राशन की चोरी करते एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें युवा अन्नदूत योजना का ट्रक रास्ते में खड़े कर शासकीय राशन की चोरी करते एक वीडियो वायरल हुआ है। जिला कलेक्टर को जब इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने इसकी जांच के आदेश खाद्य विभाग को दिए हैं। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। हाँ, ये मैंने देखा है। अभी जो मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना का ट्रक है, उस ट्रक में से कोई व्यक्ति एक बोरा उठा के मोटरसाइकिल पर रख के या स्कूटी टाइप की कोई चीज़ उस पर रख के ले जा रहा है वो। और ये एलिगेशन ये है कि ये सरकारी गेहूँ जा रहा था और जिसकी चोरी की गई है। इसकी जांच के लिए मैंने जो है हमारे जो खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनको कहा है, उन्होंने इस ट्रक को आइडेंटिफाई भी कर लिया है और जाँच भी संभवतः उनकी कम्प्लीट हो गई होगी। अभी जांच मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई है, जिस प्रकार से जांच आएगी उस संबंध में फिर निर्णय लिया जाएगा। सर, बहुत सी राशन दुकानों की भी ऐसी शिकायत आती है कि राशन दुकानों से बोरियां इस तरीके की उठकर और किराने दुकानों पर जाती हैं, तो इसके लिए कोई क्या हेल्पलाइन नंबर या कोई जगह है जहाँ पर उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं? देखिए, एक बड़ा सिंपल सा 181 नंबर है, 181। इस 181 के नंबर पर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है कि उसको राशन नहीं मिल रहा है। राशन मिलने की जो व्यवस्था है वो ये व्यवस्था है कि आदमी के बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद राशन मिलता है, कि जब तक आप अंगूठा अपनी मशीन पर नहीं लगाएंगे तब तक आपको राशन मिलेगा नहीं। अंगूठा लगाने के बाद तीन तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहले आवाज़ आती है कि कितने किलो का राशन जारी हो रहा है, इसके बाद एक पर्ची निकलती है कितने किलो राशन निकला है, और तीसरा संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर यदि रजिस्टर्ड है तो उस पर SMS आता है। तो इन तीन कारणों के अलावा किसी अन्य चौथे कारण से वहाँ से राशन की ब्लैकमेलिंग हो ही नहीं सकती। मतलब सर, राशन दुकानों से किराना दुकानों तक जाने के भी विजुअल्स आते हैं, तो ये आप सही कह रहे हो, ये आप सही कह रहे हो। हम समय समय पर राशन दुकानों की जांच भी करते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि यदि उपभोक्ता जागरूक है और कितनी क्वांटिटी में उसको मिल रहा है उसके बारे में यदि वो जागरूक है तो फिर राशन की दुकान से ब्लैक मार्केटिंग होने की संभावनाएँ जो हैं अति न्यूनतम हो जाती हैं। फिर भी यदि इस तरह की कोई शिकायत है किसी पर्टिकुलर दुकान के बारे में, हम लोग जाँच कर रहे हैं। बीच में कुछ दुकानों पर कार्रवाई अभी हुई है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।